रुक करते हैं प्रदेश की गतिविधियों की ओर। प्रदेश सरकार के एक मंत्री के परिजन खुलेआम अवैध निर्माण कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई की बजाय अधिकारियों पर दबाव बना रही है। ये आरोप कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए हैं। प्रदेश सरकार के एक मंत्री के परिजन खुलेआम अवैध निर्माण कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई के बजाय अधिकारियों पर दबाव बना रही है। ये आरोप कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सार्वजनिक हुई कि खनियारा के पटोला मैदान के साथ अवैध निर्माण हो रहा है, तो इसकी जाँच के आदेश दिए गए। जाँच में ये सामने आया कि अवैध निर्माण मंत्री के परिजनों द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम ने इस पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को रिपोर्ट भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाया गया है कि चुनावों तक कोई कार्रवाई ना की जाए और चुनावों तक सब खामोश रहें। चुनाव होने तक निर्माण भी पूरा हो जाएगा। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम धर्मशाला के दायरे में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है, लेकिन धर्मशाला के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री सत्ता में आने के बाद पुराने अवैध निर्माण हटा तो नहीं सके, उल्टे नए अवैध निर्माण करने वालों को शह दे रहे हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब वे विधायक और मंत्री थे तो किशन कपूर किसी भी हत्या या लूटपाट होने का आरोप लगाते थे, ये सब सुधीर शर्मा ने करवाया है। अब जबकि कपूर खुद सत्ता में है तो क्यों सुधीर शर्मा के खिलाफ कोई जाँच नहीं करवा रहे? ऐसी क्या मजबूरी है कि कपूर सुधीर शर्मा को सजा नहीं दिलवा पा रहे? कपूर ने सिर्फ वोट लेने की खातिर धर्मशाला के जनता से झूठ बोला है। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब भी किशन कपूर सत्ता में आए हैं, उन्होंने अनियमितताएं की हैं। उन्होंने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्यों आज भाजपाई प्रचार कर रहे हैं कि हमारा नेता निकम्मा है, इसलिए इसे दिल्ली के लिए धक्का दो। जो व्यक्ति 68 विधायकों के सदन में अपनी आवाज नहीं उठा सकता, वह 543 सदस्यों के बीच क्या करेगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा देने के मामले में सरकार की स्थिति साफ करें। इसके साथ ही गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार और मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण पर भी जनता को वास्तविकता बताएं। क्या ये सब मुद्दे चुनावों में वोट हासिल करने के लिए थे या भाजपा सरकार इन मुद्दों को अमली जामा भी पहनाएगी? कई भवन जो धर्मशाला के अंदर है, जब उनकी लंबाई हुई है, तो उसे ग्रेविट जो है वो हाईकोर्ट में फाइल किया जाएगा कि आपके जो आदेश थे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को, उनकी अवमानना हुई है, उनके चलते पुराने तो कोई हटे नहीं बल्कि और नए कब्जे जो है वो नष्ट हुए। कब तक के माध्यम से दुनिया का जब प्रशासन नहीं सुन रहा, सरकार भी है, मैंने पहले कहा कि आपके माध्यम से हम उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश का, उसके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि कम से कम कहीं से तो इंटरवेंशन हो, कोई नहीं सुन रहा, तो किसका संरक्षण? क्या कारण है कि सरकार विवश है और इनके ऊपर नकेल नहीं कस पा रही? किसी का किसी न किसी का तो संरक्षण होगा। जो पिछला चुनाव हुआ तो उसमें ये मुद्दा रखा गया कि सारी हत्याएं, सारी लूटपाट सुधीर शर्मा द्वारा, डेढ़ वर्ष हो गया है। मैं किशन कपूर से जानना चाहता हूँ, वो मंत्री मुझे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और नहीं किया तो उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सर, जो आपने जो पहला आरोप लगाया है ना कि जो किशन कपूर के भाई